नमस्कार मध्यान खबर को स्वागत करछु मुचिनमय प्रथमे हेडलाइंस इडकोनारे संगेन अभियोग आणिले सुर राउतराय जटणी रे कंपनी करी 10000 कोटी टंकार घोटाला कोडे सुद्धा समस्यार समाधान नहले विधानसभा घेरिबो कांग्रेस भीमसा नर्सिंग कॉलेज कर्तृपक्षक नारे संगेन अभियोग सरकारी नियम को उल्लंघन करी बेआईन फी करुछंती आदाय 5T को ट्वीट करी सूचना देले नर्सिंग छात्री दिल्ली पुलिस राडार रे दंगाकारी 12 जन को धराई देले पुलिस देव पुरस्कार 8 जन को नारे 1 लाख 4 जन को नारे 50,000 सम्मुख योद्धा को ऑफिस रे दिया जिबा कोरोना टीका विभिन्न ऑफिस रे हेबो टीका रूम प्रथम फेज रे गृह और नगर उन्नयन कर्मचारी को गुरुत्व वर्तमान सुधा 1,92,000 डाटाबेस प्रस्तुत छोर हेबो टीकाकरण देवगढ़ रे जननी जंत्रणा रास्ता नथिबारु गां को पहुंची परिलानी आंबुलांस नवजात शिशु प्रसूति को 1.5 किलोमीटर बोही नेले आंबुलांस कर्मचारी शिकार पाई जाई शिकार हेले बंधु करु गुली फुटी युवक मृत कलाहांडी कुलियामुंडा जंगल रे अभाव ने घटना जंतु शिकार पाई जाईथुबा बेले अघटन नवरंगपुर हटहटा दुई बिजेडी नेता उद्घाटनी कार्यक्रम बेले संजय दास वर्मा अबविदास को घेरिले चासी आज सुधा मंडीरु धान उठिबा को प्रतिश्रुति परे छाडिले बाट सेसर बेंगलुरु रे एरो इंडिया स्टोर रे भारत देखाउछि शक्ति कार्यक्रम रे शामिल 55 देशर 80 कंपनी आकाश रे गर्जिला भारतीय वायुसेना रो विमान सह अमेरिका रो B-1B लांसर एथर संपूर्ण खबर तबे इडको नारे संगीन अभियोग आसी जटणी इडको रही करी 10,000 कोटी टंकार घोटाला एकर जमीर मूल्य 5 कोटी थिबा बेले लोकों को मिली मात्र 5 लाख टंका प्रेसमिट करी एभली संगीन अभियोग आनी विधायक सुरेश राउतराय जटणी रे बेआईन भाव 1,62,000 लोकों जमी जाइए लिखित निर्देश न थाई भी स्थितिवान जमी जगन्नाथ को नारे करा सुर कहते राज्य सरकार फेब्रुआरी 20 जाए समय मागिंट यहाँ समस्या समाधान नहले मार्च 1 रे विधानसभा घेरवाक चेतावनी देते प्रेसमिट रे जड़े सेटलमेंट अफिसर अणओिया अफिसर ताला तारा दत्तों ऊपर बर्षुंट सुर राउतराय 2012 कौन लिखित अर्डर नथिले भी जोर करी ए निर्देश देते 9 वर्ष है जमी खरीद बिक्री हो पार नाई एक ओनली 5 लाख एठ जमी स्कैम 10,000 कोटी खाई बरुड़े पहाड़ नहीं गले केवल आग खंड पछापट किसी ना आपण मैंने देखिए ना एक जो घेर करा कथा करूँ अचल करदे पूरा सचिवालय सका रात पर्यंत आम बिलकुल अचल करदेबू एवं ता पर दिन जो जो अफिसर मैंने एथेर इनवल्व किसी करूना घर द्वार पिकेटिंग करूँ पुणि विवाद क्षेत्र भीमसा नर्सिंग कॉलेज कॉलेज कर्तृपक्ष विरोध में छात्र आणिले संगीन अभियोग सरकारी नियम को उल्लंघन कर नर्सिंग कॉलेज कर्तृपक्ष छात्र छात्री मानू बलपूर्वक मनइच्छा फी आदाय करुवा अभियोग करपरिक फी आदाय को बेआईन कही कॉलेज स्वागत पत्र नामक जड़े छात्र 5T को तथा DMET को ट्वीट कर अवगत करथिबा जनापड़ी बेआईन फी आदाय को नहीं विवाद रे भीमसा नर्सिंग कॉलेज रो कर्तृपक्ष ओडिशा रो समस्त सरकारी नर्सिंग कॉलेज रो अध्यक्ष एवं ट्विटर मानक निकट को पठा जाइछि जेउथरे उल्लेख रही जेकोसी सरकारी नर्सिंग कॉलेज रे सरकारी स्तर में धार्य होता फी गुड़िक छाड़देले कौनसी कॉलेज कर्तृपक्ष छात्र छात्री ठार् यूनिफर्म जोता बैग संघ फी आदाय करिपारिबे नाही जदि कौनसी नर्सिंग कॉलेज रु एभली फी निया जाउथिबो ताहाले अभियोग हुए बा कौनसी प्रमाण मिले तबे संपृक्त कॉलेज कर्तृपक्ष बा एथिरे संपृक्त कर्मचारी विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करा बोली उल्लेख रही किंतु नर्सिंग कॉलेज छात्र स्वागत अभियोग करिछंती जे कॉलेज कर्तृपक्ष बिना कौनसी बिल दे 15,000 टंका नेइछंती ऑफिस रे दिया जिबो कोरोना टीका सम्मुख योद्धा विभिन्न ऑफिस रे हेबो टीका रूम
प्रथम फेज रे गृह नगर उन्नयन राजस्व विभाग अधिकारी एवं कर्मचारी को दिया जिबो टीका वर्तमान सुधा 192,000 डाटाबेस प्रस्तुत हो सारी टीकाकरण कार्य 6 तारीख रु आरंभ हेबो 3 सप्ताह मध्य समुख योद्धा मानकर टीकाकरण कार्य शेष करने को लक्ष्य रखा जाइछि। ओडिसा को आज 63,090 डोज कोविशील्ड और 83,500 कोवैक्सीन टीका आसी वर्तमान सुधा राज्य में 208,205 जन को टीका दि जाइए जहां 62% अटे। प्रथम फेज टीकाकरण 10 तारीख भितर शेष हे फेब्रुआरी 15 तारीख रु प्रथम फेज रो सेकेंड डोज दिज्व एने पर कल्याण निर्देशक विजय पाणिग्राही सूचना देखते। आज आम अच्छी 59 सेसन्स अच्छी जो थी कि आम 6,498 स्वास्थ्यकर्मी को आम आज टीकाकरण कर लक्ष्य रखिचु। तार भितर भुवनेश्वर आम 10 सेसन हम जो थी कि 1,600 हेल्थ वर्कर्स वैक्सीनेट हे वर्तमान सुधा आम 16 तारीख टू आरंभ कर आज पर्यंत 208,205 जन स्वास्थ्यकर्मी को आम टीकाकरण कर सारे जोटा कि 62% आम जी टार्गेट थिला आउ जहाँ रही वर्तमान 10 तारीख भितर आमे संपूर्ण करूँ तेणु 10 तारीख पर्यंत आम स्वास्थ्यकर्मी मान प्रथम पर्याय टीकाकरण चलो फास्ट डोज से मानकर सेकेंड डोज आरंभ हो पुणी फेब्रुआरी 15 तारीख पर सेकेंड डोज स्टार्ट हे यार भितर 6 तारीख दिन आम फ्रंट लाइन वर्कर मान टीकाकरण आम आरंभ करूँ। देवगढ़ जननी जंत्रणा रास्ता नथिपारु गांव को पहुंची पारिलानी आंबुलांस नवजात शिशु और माँ को बोहिले आंबुलांस कर्मचारी एभली एक चित्र विजुआल सामना को आसी जिलार रियामाल ब्लक गुंडियापाली पंचायत अंतर्गत माघमुंडा गांव गांव आंबुलांस पहुंचे विलंब होगा जो जड़े गर्भवती रास्त एक पुत्र संतान प्रसव कर जमापड़ी माघमुंडा गांव चारुमुंडा स्त्री बाहाल हेम्रम को आज सका गर्भ जंत्रणा अनुभव होता पर लोके निकटस्थ आशा दीदी जरिया आंबुलांस जोजोग करते कि गांव को रास्ता नथिबारु कर्मचारी माने प्राय 2.5 किलोमीटर रास्ता चली चली जाई सेठारे पहुंचीते मात्र सेतेबेले गर्भवती बाहाल एक शिशुपुत्र को जन्म देते पर आंबुलांस कर्मचारी सहायतार हस्पिटाल को नियाजाइछि। ते पुणी सामना को आसी जननी जंत्रणार दृश्य रास्ता नथिबारु गांव में पहुंची पारि नथिला आंबुलांस नवजात शिशु एवं माँ को बोही नहीं आंबुलांस कर्मचारी एभली एक चित्र सामना को आसी जिलार रियामाल ब्लक गुंडियापाली पंचायत अंतर्गत माघमुंडा गांव तबे गाँव में रास्ता खराब थिबारु गाँव में पहुंची पार ना आंबुलांस फल विलंब होगा जो जड़े गर्भवती रास्त एक पुत्र संतान को प्रसव देते तापरे आंबुलांस कर्मचारी माने नवजात शिशु एवं गर्भवती महिला को आंबुलांस पर्यंत बोही नहीं जाइए सीधा सड़क दृश्य आपन रही देखि पड़ कि भाव में गाँव रास्ता खराब रही कारण यही रास्त आंबुलांस आसी पार ना फल बाध्य आज पुणी जननी जंत्रणा रास्त प्रसव कर जड़े गर्भवती महिला चित्र सामना को आसुच्छे तेज ये प्रश्न उठू जदि 21 वर्षर सरकार पर आम जितेबले आज 75तम स्वाधीनता दिवस पालन करुचे कि भितर कोटिना कोठी आज राज्य कौन सी अपहंच इलाका बा गाँ गुड़िक रास्ता ना ये निहाती भाव में शासन व्यवस्था उपर एक बड़ प्रश्नवाची सृष्टि कर तेज संपर्कित अधिक सूचना पाई आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होती आम प्रतिनिधि विवेकानंद साहू जोड़ी होती विवेकानंद वास्तविक वर्तमान सुधा नवजात एवं जो माँ गर्भवती महिला जनक थी स्वास्थ्य अवस्था किभली अच्छी घटना पूरा कौन थी रास्ता नथिबारु एम्बुलेंस पहुंची पारिलानि मैडम नवजात शिशु और माँ को बोहिले एम्बुलेंस कर्मचारी मिथ्या सूचना अनुजाई बाघमुंडा ग्राम चारुमुंडा स्त्री बाहाल हेम्रम आज गत काली सका 6:30 गर्भ जंत्रणा हेबारु परिवार लोके निकटस्थ आशा दीदी तपस्विनी सेठी को सहायता लोड़ीथिले आशा यदि खबर पाई 108 सह जोगाजोग करथिले निकटस्थ छतापर और देवगढ़ थिबा 108 एम्बुलेंस अन्य रोगी को सेवारे नियोजित थिबारु तुरंत नाकटी दौड़ थिबा
निश्चिंत भाव में विवेकानंद बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर समस्त तथ्य पाई। आसा परवर्ती खबर को बिल भितर पड़ जा पालगदा पाउंश भितर अर्धदग्ध मृतदेह उद्धार। मयूरभंज उदला थाना भडराडीह गांव में घटी जाइए अभावनीय घटना। एक पालगदारे निया लगी धूलसात हो जाए पालगदा भितर जड़े युवक अर्धदग्ध मृतदेह उद्धार हो गाँ निकट में मृतदेह को आज स्थानीय लोके देखा पाई रास्ता पार्श्वे बिले कूटागदा रही से ही कूटागदारे निया लगवा फल पूरा कूटागदा जली जाइए। सेठे जड़े युवक अर्धदग्ध मृतदेह पड़ा स्थानीय लोके देखी पुलिस को खबर देते घटनास्थल में पुलिस पहुंची तदंत आरंभ कर अंपटे युवक परिचय मिल पार ना बेले कहीं हत्या करें अनुमान गंजाम बुगुड़े काठ बोझ गाड़ी जबत एक नंबर विहीन काठ बोझ गाड़ी को काठ सह वन विभाग जबत कर गाड़ी डालारे बहु परिमाण काठ गंडी बेले पाल द्वारा ढंका जाए शक्त भाव बंधा जाता गाड़ीटर बहु सगवान काठ रही बेले वन विभाग अधिकारी हाथ गुंजा नहीं बहु बेआईन काठ गाड़ी को छाड़ दे अभोग शिकार पाई जाई शिकार हेले शिकारी बंधुकरु गुली फुटी युवक मृत। कलाहांडी जिला जयपाटना ब्लक कुलियामुंडा जंगल रे घटी अभावनीय घटना। जंगल को जंतु शिकार पाई जाइथिले पांच जन शिकारी एही समय रे देसी बंधुकरु गुली फुटी युवकों मुंडे रे बाजिथिला फळरे घटनास्थल रे ही तांकर मृत्यु हो जाइथिला। मृतक सबिगुडा गांव रो सुरेंद्र राउत एजे घटनास्थल रे जयपाटना पुलिस पहुंची नथिबा सूचना रहिछि। केन्द्रापड़ा पर नवरंगपुर हटहटा योजना बोर्ड उपाध्यक्ष संजय दास वर्मा उद्घाटन कार्य जाए घेरी चाषी रायघर ब्लक आरएमसी कार्यालय कृषक सूचना केन्द्र उद्घाटन कार्यक्रम रही संजय दास वर्मा और बिजेडी संगठन संपादक प्रणव प्रकाश दास कार्यक्रम में जोगदेवार नेता पहुंचा पूर्व शह शह चाषी सेठे पहुंच हुहाला कर पुणी हटहटा हेले योजना बोर्ड उपाध्यक्ष संजय दास वर्मा चाषी रोषर शिकार हेले बीजेडी संगठन साधारण संपादक प्रणव प्रकाश दास चाषी मागिले जवाब आउ चाषी जवाब रो उत्तर दे न पारी अड़ुआरे पड़गले संजय प्रणव समेत नवरंगपुर अंचल विधायक आउ सांसद शेषे पुलिस उपस्थित चाषी रोषर बर्ती बीजेडी एही हेवी वेट नेता माने योजना बोर्ड उपाध्यक्ष और जाजपुर विधायक प्रणव प्रकाश दास नवरंगपुर स्थित आरएमसी कार्यालय परिसर में एक कृषक सूचना केन्द्र उद्घाटन करने को जाए घेरी शह शह चाषी चाषी अभोग मंडी रे हजार हजार क्विंटल धान पड़ रही बेले सूचना केन्द्र कहा स्वार्थ कहीं मंडी धान उठुना चाषी तार उचित प्राप्य कहीं पाना मिलर और जिला प्रशासन मधुचंद्रिका चाषी होती शोषण शिकार चाषी कादुवा बेले अभोग शुणुना विभाग अधिकारी सीएसओर कथा शुणु ना दुर्गा दास जो अच्छा कथ शुण एमआर कथ शुणु ना कलेक्टर कथ शुण कलेक्टर कहते हैं महामांडी ना सीएस अफिस् कहते महामांडी क्या कथ आम शुणु आप देखु पर दिन जो वर्षा मारा तार लगे चाषी धान सब नष्ट सूचना केन्द्र उद्घाटन करने गुरुत्व ना जो हजार हजार चाषी लक्ष लक्ष क्विंटल धान जो जिले में पड़े चाषी हंतसत हो मंडी में सूची शीत काकर वर्षा गोड़ जूता मुंड को छता करी दाना दौर ताकि दरद ना सूचना केन्द्र इनागुरेशन कले चाषी कौन लाभ हम संजय दास वर्मा एवं एमएलए जाजपुर श्री प्रणव दास स्थानीय नेतृबृंद कई ना जाजपुर पूरी आसिक नवरंगपुर बिल्डिंग इनागुरेशन कर नवरंगपुर चाषी कथा केवे समाधान हम धान केवे उठे गले से खातिर ना नवरंगपुर ए दृश्य उपरे नजर पकातु केमिति चाषी माने नारा देवा सह धारणा रे बसी निजर प्रतिवाद प्रकाश करुछन्ते एहा पूर्वरु मध्य केन्द्रापड़ा पटा मुंडाई ठारे चाषी रोषर शिकार होइथिले योजना बोर्ड उपाध्यक्ष संजय दास वर्मा धान बस्ता मुंडरे धरी चाषी माने करिथिले प्रतिवाद
ଯାହାକୁ ନେଇ ବେଶ କିଛି ସମୟ ହଟହଟା ହୋଇଥିଲେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସମେତ ଅତିଥି ହୋଇଥିବା ଏକାଧିକ ବିଧାୟକ ଆଉ ସାଂସଦ। ସେପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ରୋଷର ଶିକାର ହେବା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସେମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଫୋରମ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ଦଳର ନେତାମାନେ, ଇଏ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ କିମ୍ବା ସ୍ମରଣୀୟ ନୁହଁ। ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ବିଜେପି ଦଳ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ନବରଙ୍ଗପୁରବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହଯୋଗରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଚାଷୀ କୂଳର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଆସନ୍ତାକାଲି ସମସ୍ତ କଥା ମୁଁ ନିଜେ ସମୀକ୍ଷା କରିବି, ଛଅଟା ମଣ୍ଡି ନିଜେ ବୁଲିବି ଏବଂ ଆଉ ଯାହା ଟାର୍ଗେଟ ଅତ୍ୟଧିକ ଟାର୍ଗେଟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା। ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଉଛି କୌଣସି ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ବାବୁ ଓ ମିଲର୍ସଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛି ଚାଷୀ, ମଣ୍ଡିରେ ପଡିଛି ଧାନ, କେଉଁଠି ଧାନ ଗଜା ହେଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଚାଷୀର ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ସେପଟେ ମିଲର୍ସ ମାନଙ୍କ କଟନୀ ଛଟନୀ ଥିଓରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଆଇଆର୍ସି ଭିଲେଜ୍ ସ୍କୁଲରେ ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଫେଲ୍ କରିବା ଘଟଣା, କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ନଇଁଛନ୍ତି ଦିଦି। ଫେଲ୍ କରିଥିବା 164 ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 44 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ବାକି ପିଲାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କାହିଁକି ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ତାଲା ପକାଇ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପିଲାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବିଭିପି ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଦେଇଛି। ନିଜକୁ 1 କରିବା ମୋହ ଘାରିଥିଲା ଆଇଆର୍ସି ଭିଲେଜ୍ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ କାଳେ ଖରାପ ନମ୍ବର ରଖିବେ ସେଥିପାଇଁ 164 ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବସ୍ତି ପିଲା ପଢିପାରିବେନି, ସ୍ତ୍ରୀ କାମ କିଏ କରିବେ, ସୁନତା ବେକ ଯଦି ନବମ ପିଲା ଫେଲ୍ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ରଙ୍ଗ କାମ ଆଉ ଲେବର କାମ ହବ କେମିତି। କୋର୍ଟରେ ଯାଇକି କହିଲେ ଆମ PT ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ହେଡ୍ ଦିଦି ଯାଇଥିଲେ ଆମ ପାଖକୁ, ଆମର ଯିଏ ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଲେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଲୁ ଦିଦିଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା। ଦିଦି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଲେବର ଦିଦିଙ୍କୁ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ପିଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ବାପା ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ କଥା ଆମେ ବୁଝି ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଲେବର କାମ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ, ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ପଇସା ବସ୍ତି ପିଲା ଘୁଣା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ଇଏ ଅସନା ଅସନା ଟିକେ। ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳିଆ କଥା କହୁଥିଲେ ନା ଏବେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ପରେ? ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି କହୁନଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେମିତି 1,00,000 ସେଇଠୁ ଏଇ କେସ୍ଟା ଚାଲିଛି ଆମେ ବି ଜାଣିସାରିଲୁଣି। କେଉଁ ନେତାନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କହିଛି 1,00,000 ଦେବ ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେବ, କାହିଁକି ମାନେ ଯେଉଁ ଦଶମରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ନ ଫେଲ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଦିଦି କିନ୍ତି ଆସିଯିବ 1,00,000, ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଫେଲ୍ ହେଲେ ଦିଦିକୁ ପଇସା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦିଦି ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଦିଦି ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତିକି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କହିଲି ଦିଦି ବି ବାହାରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ଦିଦିଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକୁଛୁ, କହୁଛୁ ଦିଦି ଆପଣ ଯଦି ମୁହାମୁହି କହିଦେବେ କି କୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି ବୋଲି ଯଦି କହିବେ ଯାହାହେଲେ ବି ଗୋଟେ କରିବୁ, ଟିକେ ଆନ୍ସର ହିଁ ଦେଉନା। କେତେ ପିଲା ଅଛ, କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲା ଅଛ? ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛୁ ସେଇ 30-35-40 ଜଣ ଅଛୁ, ଆଉ ଅଧା ପିଲାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ରାଡାରରେ 26 ଜାନୁଆରୀରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା 12 ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଓ ଫଟୋରୁ 12 ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହି 12 ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇବା ଓ ହିଂସାକୁ ଉସ୍କାଇବା ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଳାତକ ଘୋଷଣା କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି 12 ମଧ୍ୟରୁ ଗୁରଜତ ସିଂ ପାଇଁ 1,00,000, ଯୁଗରାଜ ସିଂଙ୍କ ପାଇଁ 1,00,000, ପଳାତକ ଦୀପ ସିଂ ପାଇଁ 1,00,000, ବୁଟା ସିଂ, ସୁଖଦେବ ସିଂ, ଇକବାଲ ସିଂ ପାଇଁ 50,000 ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 12 ମଧ୍ୟରୁ 8 ଉପରେ 1,00,000 ଲେଖାଏଁ ଓ ଅନ୍ୟ 4 ଧରିବା ପାଇଁ 50,000 ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାଠାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା, ହିଂସାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ କରାଇବା ପଛରେ ଥିବା ଏହି 12 ଉପଦ୍ରବୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
प्रदीप प्राणीगाई प्रसंगे विजिलेंस को झटका लोकायुक्त आदेश हाइकोर्ट में खारज होती विजिलेंस तदंत निर्देश आईन सिद्ध नई कोर्ट विजिलेंस मामलार तदंत करें कारण विजिलेंस आवेदनकारी होस्था तदंत करने बेआईन एने सूचना देखते वरिष्ठ आईनजीवी पीतांबर आचार्य आज आदेश हूँ एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण राय मान्यवर हाइकोर्ट एक डिविजन बेंच ऑनरेबल चीफ जस्टिस एवं जस्टिस विश्वनाथ रथ को नहीं गठित खंडपीठ आज ये मामलार दीर्घ समय धरी शुणाणी करथिले लोकायुक्त तांकर डिसेंबर 11 तारीख निर्देश रे प्रदीप पाणिग्राहीक विरुद्ध रे आसीथिबा अभियोग को विजिलेंस तदंत करिबे बोली जो निर्देश देथिले आज माननीय हाइकोर्ट ताकु रद्द करचेंती बिकॉज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल इन लॉ इज दैट ए कंप्लेनेंट कैन इन्वेस्टिगेटर इन ए क्वासाई जुडिशियल प्रोसीडिंग लोकायुक्त आदेश रे जो कही निर्देश प्रिलिमिनरी इनक्वायरी पूर्वर जे श्री पाणिग्राही विरुद्ध रे आपातत तथ्य प्रमाण अच्छी विजिलेंस रो एक सिक्रेट वेरिफिकेशन को आधार करी मान्यवर हाइकोर्ट मध्य ताकु नापसंद करिचंती एवं रद्द करिचंती मोटामोटी मान्यवर लोकायुक्त को आदेश आज हाइकोर्ट रे काट खाइला मकदमा को जो भाव सर्वसाधारण प्रोजेक्ट करा जाउथिला जे मान्यवर मुख्यमंत्री रेफरेंस करिचंती ता संपूर्ण मिथ्या ए मकदमारे प्रकृतरे कंप्लेनेंट थिले विजिलेंस विभाग जने डीएसपी एवं जेहेतु विजिलेंस निर्देशक तदान जने डीएसपी एथिरे आवेदनकारी बा कंप्लेनेंट तेणु विजिलेंस विभाग को तदंत पई निर्देश दबा लोकायुक्त संपूर्ण बेआईन करचंती बोली आज हाइकोर्ट तंका आदेश रे स्पष्ट करी ताकु रद्द करचंती तबे संपर्कित अधिक तथ्य पई हम सहित सदा सबको जुड़ी छंती हम कटक प्रतिनिधि विश्वजीत दास जुड़ी छंती विश्वजीत वास्तविक भाबे प्रदीप पाणिग्राही को कथा को जो भली भाबे रे लोकायुक्त जे आदेश देथिले जो कथा कहते विजिलेंस रे तदंत हो किंतु वर्तमान हाइकोर्ट ताकु खारज करचंती एवं हाइकोर्ट रु संपूर्ण से स्ट्रिक्टली कहते जेहेतु विजिलेंस रो जड़े कर्तृपक्ष जिकि आवेदन करते प्रदीप पाणिग्राही ना अभियोग आनी सी आवेदनकारी होती वर्तमान से ही संस्था तांकर तदंत करिपारि ना आदि तदंत कर संपूर्ण बेआईन तेज किए तदंत कर आग को घटना कौन रिश्वजित निश्चित भाव में देखो आज मुख्य विचारपति खंडपीठ पाख दुई घंटार ऊर्ध समय नहीं कि आज आलोचना होता है जहाँ लोकायुक्त थी निर्देश कि तदंत आज हाइकोर्ट रद्द करजिलेन्स यहाँ तदंत करें कारण आवेदनकारी ही विजिलेन्स अच्छी तेणु से तदंत करवा बेआईन बेआईन बोली दर्शाई हाइकोर्ट निश्चित भाव में कहीपर जो आ पूर्व जब कह लोकायुक्त एग्जाम्पल दिखाई जो जो हेमंत शर्मा कथा आज उठाई जाता है कहला हेमंत शर्मा कथा कहुई और निश्चित भाव में कहीपर जितेबाला गोटे बड़ झटका लगे विजिलेंस को कारण कि विजिलेंस जो तदंत करने को तदंत कर निर्देश देता लोकायुक्त निर्देश देतापुर आज हाइकोर्ट खारज करते आउ गोटे कथ कहला तदंत पूर्व दुर्नीतिर तथ्य प्रमाण थी जो प्रकाश कराता है बेआईन हाइकोर्ट कहते निश्चित भाव में कौटना कौटी प्रदीप पाणी गोटे आश्वस्ति मिली हाइकोर्ट निर्देश जो देखते निश्चित भाव में परवर्त अवस्था जितेबाला शुणाणी निश्चित भाव में स्पष्ट हम यह तदंत किए करिबा किंतु आज गोटे बड़ झटका लगी कहीपर विजिलेंस को निश्चिंत भाव में विश्वजीत बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर समस्त तथ्य पाई। समस्त रुचि बधान खबर को ये रखु नमस्कार।